Hello. Hello. Hi. Hi. Inaya is here. लास्ट स्टोरी पे एवरीवन वाज लाइक कि हमें इनाया के साथ वीडियो चाहिए. बैठ गई है ये यहाँ पे क्योंकि आज मेकअप वीडियो होने वाली है. वैसे मैं अभी थोड़े दिन पहले सरोजनी नगर गई थी कपड़े देखने के लिए, बट एज ऑलवेज वहाँ पे मेरी ध्यान जाती है बहुत ही नया मेकअप आया हुआ था वहाँ पे, लाइक क्यूट कोरियन स्टफ एंड वो भी सस्ता, लाइक 50-100 रुपये का. मैं तो रुक ही नहीं पाती हूँ यार सुंदर क्यूट चीज़ें देखकर, तो मैं तो बहुत सारा मेकअप उठा के ले आई हूँ. ट्राई करेंगे वो कैसा निकलेगा एंड इनाया भी मेरे पे ट्राई करेगी. यस लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay, हमारा हैंडशेक है, अब हम कूल गर्ल्स बन गए हैं. सबसे पहले मेरे को मिला है चारकोल मास्क क्रीम. ये है बैम्बू चारकोल एंटी कंट्रोल एंटी, इतने सारे वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पे. बेसिकली ये ब्लैक हेड्स के लिए है एंड मेरे को लग रहा है इनके पूरे ही फेस पर ब्लैक हेड्स. डॉक्टर ओ भाई साहब, ये बहुत ज्यादा बड़ी ट्यूब है ना. यू नो ऑल्सो ये चीजें बच्चों के लिए नहीं है. ये पिंकी पे नहीं लगाएंगे ना हम. नहीं. ये खुलते ही पिघलने लग गया, मैंने इसे दबाया भी नहीं है एंड इट्स जस्ट कमिंग आउट. हम इसे नोज पे लगाते हैं, हम सुपर स्केर्ड. वाओ, ऐसा लग रहा है मैं पेंट लगा रही हूँ. पेंट नहीं लग रहा. कौन सा एनिमल लग रही हूँ मैं इनू? बंदर. बंदर लग रही हूँ मैं. ठीक है भाई साहब, ये कितना क्यूट लग रहा है बट इसकी स्मेल बहुत बुरी है एंड कंसिडरिंग मैंने नोज पे लगाया तो मुझे और ज्यादा स्मेल आ रही है. आओ इसे थोड़ा समय देते और इसे साफ करते, तो हालत ही खराब होगी. क्या ही है? थोड़ा सा पिंकी को काला टीका लगा देते, इसे नजर नहीं लगेगी. लगा दू? पक्का लगा दू? मैं तो अपने डॉल को टच भी नहीं करने देती. ये जैसे जैसे सूख रहा है मेरे को बहुत ही ज्यादा टिंगलिंग इफेक्ट आ रहा है. आई होप ये मेरी स्किन को इफेक्ट ना करे. मेरे को लग रहा है कि वैसे भी ऐसे वाले प्रोडक्ट से ना हमें ज्यादा होप वैसे भी नहीं रखनी चाहिए. इट्स जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल 50 रुपीज, हमें नहीं पता इसमें क्या ही इंग्रेडिएंट्स हैं. ऑफ कोर्स मैं किसी को सजेस्ट या रेकमेंड नहीं करने वाली हूँ कि जितने भी प्रोडक्ट्स आज हम यूज करने वाले हैं वो तुम भी ट्राई करो. नो, बिकॉज अगेन इंग्रेडिएंट्स वी डोंट नो इसमें कैसे है. इट्स टू चीप. मुझे नहीं पता कि ये मेरी स्किन को भी सूट करेंगे या नहीं, तभी आज हम ट्रायल टेस्ट कर रहे हैं. क्योंकि मार्केट में ये बहुत ज्यादा मिलते हैं यार, खुले में मिलते हैं, तो देख तो कि ये वर्थ इट है भी या नहीं, हमें सूट करेंगे भी या नहीं. ओ निकल तो आराम से गए. हे, एक तो ये पूरा ब्लैक थिंग है ना, तो अगर मेरे ब्लैक हेड्स निकल भी रहे होंगे तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि इट्स जस्ट ऑल ब्लैक. अब इसमें छुप गए हो क्या है, पास से कुछ पता चल रहा है क्या? चना हो गया है हमारा स्किन केयर, ब्लैक हेड्स हमने निकाल लिए हैं. इफेक्ट तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है. नॉर्मली जो मुझे ऐसे खुरदरा खुरदरा लगता है वो अभी भी फील हो रहा है. इट डज नॉट वर्क. मेरे 50 रुपये वेस्ट हो गए. इट्स लाइक इट्स दिस नॉट दिस, इट्स दिस इनाया. इतनी सुंदर बॉटल मिली है मुझे. ये है गोल्ड डस्ट वाला प्राइमर. ओके, लुकिंग एट द बॉटल मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इसमें जो गोल्ड डस्ट है इट्स लाइक देयर. ये बिल्कुल भी ऐसे नीचे नहीं बैठे हुए, ऐसे काफ़ी देर से मैंने इसे सीधा ही रखा हुआ था. ये अभी भी ऐसे हवा में ही उड़ रहे हैं इसके अंदर, तो दैट्स गुड आई थिंक. आई डोंट नो, आज ऐसे बेचारी दूर ही हो गई. ट्राई करते हैं. अरे नहीं पता नहीं अब निकला है. ओ भाई साहब, ये ऐसे छोटे छोटे से ही निकल कर आए हैं. ओए इसमें गोल्ड डस्ट भी दिख रहा है, एक ही गोल्ड डस्ट आया है. आई एम सो सॉरी, दैट वॉज वेरी वेरी ब्रूटल, बट एकदम से ऑनेस्टली निकला अंदर से. बहुत ही ज्यादा केमिकली स्मेल है और ये वाला थोड़ा सा मेरे को महंगा पड़ा है, पता है प्राइमर 150 रुपए का. ऐसे लूट मचा रखी है इन्होंने बाजार में. आओ लगा के देखते हैं. मेरे को लग रहा है कि मैंने इतना सस्ता मेकअप ट्राई कर लिया ना इस चैनल पे, अब मेरा डर निकल गया है. नाउ आई एम ओके विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग. मेरे को मजा आता है ट्राई एंड टेस्ट आउट करने में चीजें. इनाया कहाँ गई? मेरे को इनाया नहीं दिख रही है. पिंकी इनाया कहाँ गई? पिंकी बता दे, मैं तेरे घूसा मार दूंगी. इनाया घूमी घूमी करने चली गई. कहाँ गई इनाया घूमी करने? मॉल. सीधा मॉल. यार ये प्राइमर बहुत ही ज्यादा ऑयली है, इट्स वेरी स्टिकी एंड ये बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है मेरे फेस पे. ऐसा लग रहा है क्रीम लगा रखी है मैंने. 2 मिनट देते हैं, देखते हैं. और पिंकी कैसी हो, तुम क्या करती हो आजकल? मैं ठीक हूँ, और आप क्या करते हो? मैं तो मेकअप करती हूँ. मेकअप? ये प्राइमर को मैंने गुड 5-10 मिनट्स दिए हैं. इसका कुछ भी नहीं हुआ है. जैसा फर्स्ट टेक्सचर था स्किन पे अभी भी सेम वैसा ही है. इट्स वेरी स्टिकी, वेरी ऑयली, इट्स गिविंग मी नथिंग एंड ये बहुत ही स्लिपरी भी है. लेकिन आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारे पास फाउंडेशन, ये है DD क्रीम जिसमें SPF 20 भी है. गुड, पता नहीं कितनी स्किन प्रोटेक्ट करेगी. इसकी पैकेजिंग कितनी ज्यादा टोर्न ऑफ है.
दिस इज नॉट गुड. इन्होंने पैक करने की कोशिश तो करी बट वो आधी अधूरी रह गई. ये आधा पैक्ड है या फिर आधा किसी ने फाड़ा हुआ है, इट्स यूज्ड, आई डोंट नो, बट ये भी 50 रुपए का. तो इसी से काम चलाएंगे अब हम. इसको मेकअप वीडियोस दिखा लो या मेकअप करते हुए कोई कर रहा है तो शी विल जस्ट बी देयर, लाइक इसकी एग्जिस्टेंस होगी रूम में एंड इसको बस किसी को मेकअप करते हुए देखने में शी इज हैप्पी. इसे और कुछ नहीं चाहिए. डीडी क्रीम, इसमें हमें कोई शेड भी नहीं मिला, यही एक शेड था, इतना ही ठीक है. और ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा वाइट लग रहा है. ओके, दिस इज़ नॉट गुड. मैंने ब्यूटी ब्लेंडर भी लिया है. यस, जो ये ब्यूटी ब्लेंडर का जो बॉक्स है ये बहुत ज़्यादा स्क्रैचफुल है, लाइक इसमें बहुत बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस है. निकालो. क्या है ये? ब्लेंडर. Yes, it's a beauty blender. मेरे को इसका कलर इतना मस्त लगा था, बट या इसकी पैकेजिंग इज नॉट दैट गुड. स्टाइलिश बनाने की कोशिश करी है. इनू भी सहयोग दे रही है अब हमारा. थैंक यू. डन. यस, दैट्स ऑल वी नीड. ये बहुत ही ज्यादा वाइटिश है. ओ आई गॉड, आई एम स्केर्ड. यार ये एक डॉट में काफी अच्छा फैल रहा है. वाओ, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट. इसकी खुशबू पाउडरी जैसे पुराना मेकअप आता था, बट अब इट केमिकली, सो इट्स लाइक अ मिक्सचर. ये मैं अगर ऐसे कर रही हूँ, इट्स गॉन. ये मैजिक फाउंडेशन है, ये गायब हो जाता है. इन्हें मैं कैसी लग रही हूँ? सो ब्यूटीफुल, सो एंगेजिंग, लुकिंग लाइक अ पॉप. यू ट्राइड, गुड जॉब. सो एंगेजिंग. हमारा फाउंडेशन हो गया है, हमारा बेस लग चुका है. कैसा लग रहा है? देखो यार, कैमरे में तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा वाइटिश लग रहा है, रियल मिरर में मेरे को समझ नहीं आ रहा है. ये हल्का सा मेरे को पैचेस भी दे रहा है एंड प्राइमर ने कोई भी कमाल नहीं दिखाया. प्राइमर तो वो चला ही गया ब्लेंड करते हुए, लाइक वो पता नहीं स्पेस टेक हो गया शायद, इट्स गॉन. नेक्स्ट मेरे को एक एलोवेरा वाला कॉम्पैक्ट पाउडर मिला है. एलोवेरा वाला कॉम्पैक्ट पाउडर, आई डोंट नो ऐसी चीज मार्केट में आती है या नहीं, बट मैंने तो पहली बार ही सुनी है. ये भी मेरे को 50 रुपए का मिला है. इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी है, लाइक इसका बॉक्स भी बिल्कुल सही सलामत है एंड इसकी डिब्बी, इसकी बॉक्स भी बहुत ही ज्यादा सही आई है. मेरे को लगा इतनी मोटी डिब्बी में कॉम्पैक्ट होगा, लेकिन ये इतनी पतली सी ट्रे निकली है कॉम्पैक्ट की. इसके ऊपर भी कॉम्पैक्ट है विद अ पफ. ये 2-in-1 कॉम्पैक्ट है. धूप में मेरे को समझ आ गया है, जो ये पतली वाली ट्रे ना, शेड दोनों सेम है, बट जो ये पतली वाली ट्रे है ये थोड़ा शिमरी शाइनी वाला है एंड जो ये मोटा वाला ट्रे है इट्स नॉर्मल मैट वाला. कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट. इसकी खुशबू बहुत प्यारी है, बट ये एक ही पफ में बहुत ज़्यादा निकल गया. मैं अलग ही दिखने वाली हूँ टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि मेरे को ना इन प्रोडक्ट्स की कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है. कम ले रही हूँ तो ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा ले रही हूँ तो लग ही नहीं रहा है. इट्स एवरीवेयर. पूरा फेस कवर हो गया एंड अभी भी इसमें बचा हुआ है. हमारे पास है हेलो किटी के मेकअप ब्रशेस. ये सही लग रही है इसकी पैकेजिंग. हल्का सा यहाँ पे स्क्रैच आया हुआ है, इतना तो ठीक है क्योंकि उन्होंने ना इसे रेडी पे रखा होता है तो बहुत सारे लोग होते हैं, थोड़ा सा स्क्रैचेस वगैरह तो आ ही जाता है. इसमें हमारे पास है लिप, फेस और भी तरीके के हमारे पास है इसमें क्या मेकअप ब्रशेस. हॉर्न बजा, मेरा दिमाग ही गायब हो गया. 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. ये मेरे को 100 रुपए के पड़े हैं. बिल्कुल भी अच्छे से कटिंग नहीं कर रखे, लेकिन कोई बात नहीं. किटी शेप का ब्लशर जो कि हम इन ब्रशेस से अब लगाएंगे. पहली बात, इसकी पैकेजिंग कितनी ज्यादा क्यूट है, कैटी बनी हुई है इसपे. मैंने ये तब नहीं देखा था बट खोलते ही इसपे पॉ बना हुआ है. कैन यू सी इट? ये बहुत ज्यादा आ गया यार, इट्स टू पिगमेंटेड. जस्ट Look at it. ये बहुत ही आराम से लग रहा है. It's very powdery and मैंने जो foundation लगाया उसके ऊपर जो compact लगाया ना, मेरी skin इतनी dry हो चुकी है अब, तो उसके ऊपर एक और powder वाला product लगाना मेरे को थोड़ा सा dangerous लग रहा है. But yeah. Also जो ये brush है it's synthetic. मतलब मेरे को चुभ नहीं रहा है बट वो हल्की सी प्लास्टिकी वाली फील तो आ ही रही है. यार मैंने बहुत ही हल्का लगाने की ट्राई करी थी एंड अब मैं इसे फैला भी नहीं पा रही हूँ. It's stuck at my फेस. ये अब फैल भी नहीं रहा है, हट भी नहीं रहा है. ओके, इट्स डेंजरस. ये रहा हमारा आईलाइनर, ऐसे स्टार 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 बने हुए हैं. कितना क्यूट लग रहा है. क्या मस्त पॉइंटेड एप्लीकेटर. वाओ, परफेक्ट. इतने आराम से आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय माई सेल्फ एंड विद दिस आईलाइनर. आई एम टेलिंग यू, सरप्राइजिंगली इस आईलाइनर में खुशबू है एंड मोर सरप्राइजिंगली वो खुशबू भी अच्छी है.
मेरे को प्यार हो गया इस आईलाइनर से. ये अच्छा, ये एक अच्छी चीज निकली है अभी तक. कितने मस्त अप्लाई हो रहा है, इट्स टू इजी. ये फिल भी बहुत आराम से हो रहा है भाई साहब. ये मेरा फेवरेट आईलाइनर बन गया है. इतना मस्त प्रिसिजन निकल कर आया है. लाइक सो फार द बेस्ट आईलाइनर आई हैव डन. एंड लेकिन लगाने के बाद ना ये ड्राई बहुत जल्दी हो गया है. एंड जिस एरिया में मैंने लगा रखा है ना, वो स्किन थोड़ी सी लाइक इसने ऐसे सुकुड़ सी ली है क्योंकि ये ड्राई हो गया है. तो वो वाली फीलिंग मेरे को अच्छी नहीं लग रही है. इट्स नॉट दैट नरिशिंग या मॉइस्चराइजिंग. ऐसे हार्ड हार्ड सा हो गया, ऐसा खींच रखे किसी ने मेरी आँखें, तो दैट्स नॉट गुड. हमारे पास आई लैशेज भी हैं. तो आई लैशेज मुझे अलग से लेनी पड़ी हैं. उसका आई ग्लू मेरे को अलग से लेना पड़ा है. ये दोनों मेरे को 50-50 का पड़ा है. ये है हैंडमेड 3D लैशेज, सिंथेटिक फाइबर के बने हुए हैं ये. और ये कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं मेरे को. ये रहा हमारा ग्लू, प्यारा सा. काफ़ी अच्छी बड़ी सी बॉटल आई है, बट इसमें मोस्टली हवा होती है. इतना सा प्रोडक्ट होता है इन चीज़ों में. हमारी आई लैश ग्लू खुल गई है, लेकिन स्किन अपडेट, मेरी स्किन ड्राई होती जा रही है. तुम देख सकते हो पैचेस आ गए हैं एंड स्किन बहुत ही ऐसे खिची खिची सी फील हो रही है. तो या दैट्स द अपडेट. ये लगाते हैं अब. रुकने नहीं वाले हैं हम. लाल लाल ओ बहुत सारी आ गई. ओके ओके ये मेरे को खड़े होके मिरर में लगाने पड़े. बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रहे हैं यार. लाइक कैन यू सी द डिफरेंस, इतने ज्यादा मस्त लग रहे हैं. मेरा मन कर रहा है मैं खुद को ही देखती हूँ. ये बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है और ये बहुत आराम से लग गए. दिस इज द बेस्ट आई कैन डू. मेरे को लग रहा है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कंसिडरिंग इसे 50 रुपये के. बहुत ही ऐसे फुलर आई लैशेज लग रहे हैं. आंखें ऐसे खुली हुई सी लग रही है. वाओ, आई गेस इसी वजह से मेकअप से ज्यादा आई लैशेज तो बहुत ही ज्यादा बिक रहे होते हैं सरोजिनी नगर में. तो आई गेस इट्स वर्थ इट. ये बहुत ही जल्दी लग गया एंड वन टाइम इट्स गुड. हमारे पास फेक नेल्स भी है. यस, इसकी पैकेजिंग इतनी ज्यादा क्यूट है. इट्स टू स्पार्कली ग्लिटरी ब्लिंगी. इनाया आ गई है. आपको नेल्स लगाने में पे ये मेरी आंखों में नहीं देख रही है. कह रही कौन है ये, बदल गई है इसकी शक्ल. लिखा हुआ है इस पे बट इट इज नॉट स्टिक ऑन. मेरे पास ग्लू भी नहीं है इसकी. बट ये कुछ इस तरीके से दिखता, कितना प्रिटी लगता. मेरा आउटफिट से भी मैच करता. लाइन 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 लाइन. इनू ये क्या हो गया हमारे साथ. मेरे सस्ते नकले नेल्स का सपना सपना ही रह गया. आओ आगे बढ़ते हैं. कितना मस्त लगता है ये. कैन यू बिलीव इट, हमें 2 लिप ग्लॉसेस मिले हैं. इस वाले में जेड बना हुआ है एंड उसकी आंखें भी हैं. एंड इट्स स्ट्रॉबेरी रेड समथिंग. ये है हुडा मैट मी वंडरफुल कलर लिप ग्लॉस. हुक्सिया ब्यूटी ब्यूटिफुल. और ये है ऐसे ग्लिटरी स्पार्कली वाला ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस. मेरे को लग रहा है ये कलर चेंजिंग वाला है. पहले ये ट्राई करते हैं. हाफ लिप पे ये ट्राई करते हैं और ऊपर वाले लिप पे ये ट्राई करेंगे. फिर डिफरेंस देखेंगे कौन सा अच्छा लग रहा है. भाई साहब ये गोल्ड वाला इतना प्यारा है. इतनी बड़ी बॉटल है. लाइक इट्स अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट एंड 50 रुपीज. मस्त खुशबू है. देखें गुदगुदी हो रही है. लग तो ये बहुत ही आराम से गया. इट्स लाइक लिप ऑयल और इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी है यार. मस्त ऐसे ग्लॉसी प्लम्पी सा लिप हो गया है नीचे वाला. ये क्या हो रहा है. पिंक बन गया. पिंक हो गया एंड ये प्लम्पी और जूसियर भी लग रहे हैं. लाइक ऊपर वाला लिप तो दिख ही नहीं रहा है इसके सामने. जो नीचे हमने लगाया था अपडेट, मेरे को कोई जलन नहीं हुई है. कंसिडरिंग मेरे को लिप प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं, लाइक जीरो. मेरे को वैसलीन लगानी पड़ती है, उसके ऊपर मुझे 10 चीजें लगानी पड़ती है, तब मैं लिपस्टिक लगा पाती हूँ ताकि मेरे यू नो लिप स्किन को कुछ होना. बट वो कुछ भी नहीं हुआ, आराम से मेरे को सूट कर गया है. दिस इज मैजिकल फॉर मी एटलीस्ट. एंड ऊपर वाले में भी मेरे को कोई जलन नहीं हुई है. मेरे को ऊपर का पिंक शेड अलग दिख रहा है, नीचे का पिंक शेड अलग दिख रहा है. बट पर्सनली आई एम लविंग नीचे वाला. जो ये ट्रांसपेरेंट वाला था, दिस इज मोर ऑफ माई शेड. आई लव जैसा ये इफेक्ट निकल कर आया. प्लस ये मेरे को प्लम्पियर लिप्स दे रहा है, तो या डेफिनेटली. बट ये क्या मस्त ग्लॉसी लिप्स निकल कर आए. ओह माय गॉड, मैं पूरी रेडी हो गई हूँ इनू. मेरे को लग रहा है आई लैशेज ने तो गेम चेंज कर दिया. मैं भूल गई हूँ मेरी स्किन ड्राई है या फिर आई लाइनर ड्राई है. आई लैशेज और लिप ग्लॉस एंड में तो मज़ा ही आ गया मेरे को. मैं हैप्पी हो गई हूँ भाई साहब. सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ.
थैंक यू. देखो फाइनली मैं यही बोलना चाहूंगी कि जितने भी ये प्रोडक्ट्स है दिखने में कितने भी क्यूट लगे या फिर कितने भी सस्ते हो या फिर कितने भी इजीली अवेलेबल हो मार्केट में, इनकी कोई रिलायबिलिटी एज सच नहीं होती है. प्रोडक्ट पैकेजिंग पे कुछ भी लिखा हो अंदर इंग्रेडिएंट्स या फिर और 10 चीजें हो रही होती है वो हमें कोई आइडिया नहीं है. देखो मेरे को लगता है कि मेकअप इन जनरल इज एनीवे नॉट गुड फॉर योर स्किन, स्पेशली अगर तुम उसे एवरीडे भी यूज कर रहे हो तो. एंड ये वाला मेकअप तो और भी हमें नहीं यूज करना चाहिए अपनी स्किन पे. तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू तुम्हें पता चल गया हो, तुम थोड़े अवेयर भी हुए हो कि हमें क्या चीजें यूज करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं यूज करनी चाहिए, किन प्रोडक्ट्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए एंड किन प्रोडक्ट्स में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. लेकिन हमारा ये मेकअप लुक निकल कर आया, इसके बारे में तो मुझे जानना है कि तुम्हें क्या लगता है कि कैसा निकल कर आया, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, क्या है क्या नहीं. बातें करते हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में. एंड टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब. आ जाओ मीनू, बाय बाय शेयर करो. ओके. और ये टिन्नी भी बोल रही है बाय बाय. टिन्नी की तो हमने कोई पूछ पिंकी, नहीं पिंकी. पिंकी की तो कोई पूछ ही नहीं करी आज हमने इस वीडियो में. ओके लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय.